हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट तो हमें बताना है कि मियोसिस के रिगार्डिंग कौन सा जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी एन एर अकर्ज इन एस फेज बिल्कुल सही बात है डी एन ए रेप्लीकेशन एस फेज में होता है ऑफ मियोसिस टू तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है डी एन इन एस फेज जो है वो कब होता है माइटोसिस फेज में यानी कि एम फेज में तो ये जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल इनकरेक्ट है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है होमोलोगस क्रोमोजोम्स की पेयरिंग और रिकॉम्बिनेशन जो है आपको मियोसिस वन के प्रोफेज़ में प्रोफेज़ वन में देखने को मिलेगा तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है फोर हैप्लॉयड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मीओसिस टू तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपको फोर एप्लॉयड सेल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे मीओसिस टू के एंड पर डी ऑप्शन देखेंगे दे आर आर टू स्टेजस इन मीओसिस दैट इज मीओसिस वन एंड मीओसिस टू ये बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है म्योसिस जो है वो तो आपका टू स्टेज में फर्दर डिवाइड होती है विच इज़ योर मीओ One, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है तो हमसे यहाँ पर इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया था बच्चों तो इनकरेक्ट हमारा ए है डी एन एर एप्लीकेशन अकर इन एस फेज तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही है ऑफ माइटोस ऑफ मियोसिस टू लिखा था यहाँ पर जो कि बिल्कुल गलत है तो ये कहाँ होता है माइटोसिस फेज में ऑफ साइकिल तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन ए होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों थैंक यू ऑल द बेस्ट